हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज यासीन वॉचिंग टेक केयर यूट्यूब चैनल। हमने बहुत टाइम सुना है कि फ्रेम रेट ड्रॉप हो रहा है, या कोई भी टेक इन्फ्लुएंसर जो होता है पबजी खेलने के बाद क्या होता है, इसका फ्रेम रेट ड्रॉप हो रहा है। मैंने फ्रेम ड्रॉपिंग देखा है, या FPS वगैरह जो आप सुनते हो, बहुत टाइम सुनते हो कि इसका ग्राफिक्स कार्ड अच्छा नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड से जो फ्रेम रेट होता है वो हमने सुना है। जैसे पबजी हो गया, COD हो गया, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, जो 3D गेम्स होता है उसमें बताते हैं कि असफल हो गया। जैसे असफल 9, वो गेम्स में क्या होता है, बहुत सारे टेक इन्फ्लुएंसर कोई भी इंसान कहता है कि जब जो गेम खेलता है ज़्यादा गेम के बारे में जिसको पता है, कह रहा है फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेम रेट का, जो गेम है 3D गेम है जैसे पबजी है, उसमें FPS का क्या रोल है। मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपका डिस्प्ले में वीडियो कैसे चलता है। जैसे आप मेरे हाथ के मोशंस देख रहे हो, मुंह के मोशंस देख रहे हो, कोई भी वीडियो चल रहा है, कोई भी डांस कर रहा है, टाइगर शॉप की जो डांस होता है वो कैसे डिस्प्ले में चलता है। एक्चुअली आपके फ़ोन के अंदर टाइगर शॉप आया हुआ है, कोई इंसान घुसा दिया हुआ है, कोई रोबोट चल रहा है या डांस कर रहा है, उसके ऊपर कॉस्ट्यूम लगा के गाया गया, तो वीडियो कैसे चलता है आपके फ़ोन पर, डिस्प्ले में कैसे काम करता है, वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर सर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आई बटन में लिंक देता हूँ, वो वीडियो आप जाके देख के आओ, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो आज बात करते हैं कि 3D गेम पे FPS का क्या रोल है। देखो, जब हम 3D गेम खेलते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स है, 30 FPS, जैसे 30 पिक्चर्स है, एक साथ स्लाइड शो हो रहा है, एक के बाद एक। अपने जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना पावर पॉइंट के, उसके बाद एक से एक के बाद एक जैसे स्लाइड शो होता है, जैसे एक के बाद एक वर्ड आता है, हम कोई भी टॉपिक समझाने के लिए करते हैं, तो उसी तरह के फ़ोन के डिस्प्ले में ऐसा फोटोज़ शो होता है, तभी हमें लगता है कि ये वीडियो है। उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, वो वीडियो देख लेना। तो जब हम कोई भी 3D गेम खेलते हैं, जब किसी को हम फायर करते हैं, जैसे पबजी में किसी को हम हेडशॉट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जब हम गन ऊपर की तरफ करते हैं, स्क्रॉल ऊपर तरफ करते हैं, तो वो क्या होता है, एक इमेज क्रिएट करता है, वो गेम की तरफ से एक इमेज क्रिएट होता है, वो GPU प्रोड्यूस करता है डिस्प्ले में। जब इमेज क्रिएट हो वो GPU दिखाता है, जब ये राउंड सर्कल घूमता है, जब वो साइड के बहुत सारे पिक्चर्स एक साथ क्रिएट होता है, जैसे हमने 60 Hz सुना है डिस्प्ले की, वो क्या होता है, एक साथ बहुत सारे फोटोज़ क्रिएट होता है, वो फोटोज़ को शो करने की जो होता है वो फोटोज़ होता है ना, FPS मतलब पर सेकंड फोटोज़ जो होता है, वो फ्रेम का पर सेकंड कितना फोटोज़ आ रहा है। तो जब हम किसी के सोचो कि हम किसी को किसी भी वीडियो गेम पे काट रहे हैं किसी को, या किसी को मार रहा है, किसी को पंच मार रहे हैं हम, तो पंच मारने के टाइम पे जैसे मैं यहाँ पे मारूंगा, तो यहाँ पे 1 सेकंड टाइम लगा, तो यहाँ पे 30 फोटो खींचा है, मतलब 30 फोटो प्रोड्यूस हुआ है, 30 फोटो आपका शो कर रहा है डिस्प्ले में। जो 30 फोटो है वो 30 फोटो, अगर आपका फ्रेम रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, आपका GPU थोड़ा सा वीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका GPU इतना ज़्यादा फोटोज़ एक साथ शो नहीं कर पा रहा है आपके डिस्प्ले में, आपको डिस्प्ले में इतना आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए क्या होता है, हमारा वहाँ पे फ्रेम ड्रॉपिंग दिखाई देता है। फ्रेम ड्रॉपिंग मतलब जैसे हम पंच कर रहे हैं किसी को, तो उस यहाँ पे पंच करने के बाद यहाँ पे ऐसे एक जा रहा है, ये पंच करने के लिए मेरा हैंड आगे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसे जा रहा है, सडनली आपके देख रहे हो कि मेरा पंच यहाँ पे आ गया, सामने आ गया, बीच वाला हिस्सा आप निकाल दो, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे गैप हो जाता है। तो गैप में क्या होता है, हम उसको कहते हैं फ्रेम रेट। कोई भी जैसे 3D गेम खेल रहे हो, अगर आप किसी को पंच मार रहे हो, जैसे हम पबजी में मारते हैं ना पंच ऐसे, तो पंच मारने के बाद जैसे हम ऐसे करते हैं, ऐसे करने से पहले अगर यहाँ के बीच में जो हमारा हैंड है, जो पबजी के अंदर जो होता है कार्टून होता है, उसका हैंड मूविंग जो होता है, वो अगर वहाँ पे नहीं दिखा बीच में, हैंड मूविंग अगर नहीं देखा, तो उसको कहते हैं फ्रेम ड्रॉप। ठीक है, तो फ्रेम ड्रॉप इसको कहते हैं, और उसका रोल होता है ये 3D गेम पे, हमारा GPU का रोल ये होता है, FPS का रोल से यही होता है, हम किसी जो फोटोज़ होता है, जो फोटोज़ आउटपुट आता है उसको शो करना। अगर आपका GPU थोड़ा सा वीक है, तो आपका क्या होता है, वहाँ पे फ्रेम रेट ड्रॉप होता है, फ्रेम ड्रॉप होता है, वो आपके फोटोज़ इतना ज़्यादा शो नहीं कर पाता वहाँ पे, तभी हम बीच बीच में गैप देखते हैं, मतलब जो फोटोज़ आ रहा है यहाँ से पंच कर रहे हैं हम बीच में, हमारा हाथ यहाँ पे आया, सडनली आपका हाथ यहाँ पे चला गया, यहाँ पे बीच का जो आप बीच में जो मोशंस था वो मोशंस गैप हो गया, वो नहीं आपको दिखाई दिया, आपका हैंड यहाँ पे है, यहाँ से सडनली यहाँ पे चला गया, जो बीच का जो फोटोज़ है, जो फोटोज़ था वो गैप हो गया, वो फोटोज़ नहीं आया, उसको कहते हैं फ्रेम रेट। तो जब 3D गेम खेलोगे, आप किसी को भी मार रहे हो, पंच कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया हुआ, वैसे पंच करने के टाइम पे अगर आपका हैंड यहाँ से मूविंग करके वहाँ पे सीधा चला जा रहा है, बीच में नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो जितने फोटोज़ थे, अगर यहाँ पे आपका 60 FPS का था, तो यहाँ पे अगर 2-3 फोटोज़ गैप हो गए, या 4-5 फोटो, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 फोटो मिस हो गया, तो यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा गैप बन जाता है, तो आपका हैंड यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेगा, तो इस बीच वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा, बाद में वहाँ पे जब पंच हो रहा है उस टाइम पे दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं फ्रेम ड्रॉपिंग।
तो FPS 3D गेम पे ऐसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा FPS कैसे काम करता है 3D गेम पे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आया तो फिर भी कर देना, समझ में नहीं आया तो और भी फ्यूचर में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और भी थोड़ा डीपली। तो मिलता हूँ और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूँ, ऑलवेज कीप इन माइंड वुमेन सेफ्टी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय।